शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू हे हाउ आर यू ऑल कैसी है मेरी आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आई नो आप सब लोग बहुत एक बहुत एक्साइटेड हो अभी एक अच्छी एनर्जी पर होगी कि शिवरात्रि पर ऐसा करना है ये करना है शिव बारात निकलती है सब लोग कितना एंजॉय करते हैं और आप सब लोग अपनी मैनिफेस्टेशन पे भी वर्क कर रहे हो गए साइड बाई साइड आज का जो स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है जहां पर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आप मैनिफेस्टेशन करते हो और आप चाहते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन और जल्दी हो जाए और जल्दी मुझे दिखा दे और जल्दी मुझे अंतर दिखा दे उससे रिलेटेड मैं आँगे आँगे आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आपको जरूर महाशिवरात्रि वाले दिन करना है अपनी विश के लिए मैं कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है हाँ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं बताऊंगी बहुत आसानी वाली चीजें बताऊंगी अगर पीरियड्स चलेंगे उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं अगर पीरियड्स नहीं है नॉर्मल अगर पूजा कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं लेकिन इन रेमेडीज को करने के दो रूल्स हैं अगर आप ये दो रूल्स को फॉलो करते हो तभी करना अदरवाइज मैं बोलूंगी बिल्कुल भी मत करना नंबर वन रूल है रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है अगर रिजल्ट्स का वेट करेंगे देन तो आई एम सॉरी आप बिल्कुल भी रिचुअल ना करें नंबर टू अगर रिचुअल को करें तो ये ना सोचें कि इस चीज़ से पूरा होगा क्या ये चीज़ मुझे रिजल्ट दिखाएगी अपने अंदर किसी भी प्रकार का डाउट या अपने अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को ना रखें नंबर वन थिंग जो आपको उस दिन जरूर करना है सुबह सुबह करना है मतलब शाम को चार पांच बजे से पहले ही आप ये कर लो तो बहुत अच्छी बात है आपको ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा जो लोग पीरियड्स में हैं वो इसको नहीं करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखना हर डिटेल बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आपको सुबह सुबह नहाने के बाद हो सके तो गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना है आप गुड़ खिला सकते हो रोटी खिला सकते हो रोटी में शक्कर डाल के खिला सकते हो कुछ भी मीठा या अगर कुछ मीठा नहीं मिल रहा है तो आप पालक खिला सकते हो पालक खिला सकते हो कुछ भी हरी सब्जी आप खिला सकते हो एनी लेकिन कुछ ना कुछ आपको उस दिन गौ सेवा करनी है गौ माता को आपको ज़रूर खिलाना है और भोले बाबा को महाशिवरात्रि मनी मन में बोलना है आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे नंबर व्हाट्सएप के नंबर पर भी फोटो शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं नंबर टू उस दिन जरूर जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय या शिव महापुराण जरूर सुने जरूर 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 ये हर कोई कर सकता है एवरी वन कैन डू दिस बस वही नहीं करेंगे जो पीरियड्स में है पीरियड्स में आप लोग मंत्रास को चैंट नहीं कर सकते आप एयरफोन्स लगा के सुनना चाहें तो बिल्कुल सुनेंगे लेकिन मंत्रास की आपको चैंटिंग नहीं करना दस से पंद्रह मिनट या दो घंटे बैठ के या तीन घंटे बैठ के आप शिव महापुराण जरूर सुने सुबह के टाइम या शाम के समय जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आप पूजा पाठ करें 108 बार ओम नमः शिवाय और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करें अपनी इच्छा को बोलते हुए और अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में बोले एज एफ वो हो गई है थैंक यू बोले बाबा मेरी विश पूरी हो गई मेरी इच्छा पूरी हो गई है फिर एक बार आप मंत्रा की जरूर जांच करें कोई एक मंत्रा भी कर सकते हो दो मंत्रा भी कर सकते हो कुछ लोग शिव चालीसा का भी पाठ करते हैं बिल्कुल कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है लेकिन आपको इसको जरूर करना है नंबर थ्री और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना आप एक भी कर सकते हो फर्स्ट वाला भी कर सकते हो सेकेंड वाला भी कर सकते हो ये थर्ड भी कर सकते हो कोई एक भी कर सकते हो सारे कर सकते हो चॉइस आपकी अब ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उस केस के लिए जब आपकी कोई विश बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा हर्डल फील हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है महाशिवरात्रि वाले दिन आप इस चीज को जरूर 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 करें ये चार चीजें जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे भोले बाबा जी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे आप ये मत सोचना कि मैं इतना सारा करूँ या ये मत सोचना मैं इतना सा करूं सिर्फ आपके एफर्ट्स मायने रखते हैं आप छोटा सा दाना चावल का भी चढ़ाया हो गना वो आपसे खुश हो जाते हैं वो भोले बाबा जी हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं लेकिन जो भी करें शिद्दत के साथ करें और दिल से करें चलिए आ जाते हैं आप सबसे मेन टॉपिक पर जिसको आप सबको ज़रूर करना है और ये आपकी चॉइस है बस पीरियड्स में आप इस वाली रेमेडी को नहीं करेंगे आपको जाना है शिवजी के मंदिर अगर शिवजी के मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश तो आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है क्योंकि मुझे पता है हमेशा की तरह मैक्सिमम लोगों का ये क्वेरी रहता है कि मैम हम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर पे कर सकते हैं बिल्कुल आप घर पे कर सकते हो आपको क्या करना है एक जल में एक लोटे में जल लेना है उसके साथ आपको थोड़े से चावल लेने हैं थोड़ी सी शक्कर लेनी है शक्कर की जगह आप शहद भी ले सकते हो साथ ही साथ आपको इन चीज़ों के साथ हरा मूंग लेना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है मैं फिर से बता देती हूँ आप सभी को मैं आपको पानी लेना है उसी के साथ आपको थोड़े से चावल लेने हैं आप शहद या गुड़ शहद या फिर शक्कर में से कोई भी एक ले सकते हैं वैसे शहद ले तो ज़्यादा बेटर होता है आप गुड़ ले सकते हैं और आप हरा मूंग ले सकते हैं ये पाँच चीज़ें आप लेंगे इसी के साथ ही साथ आप फूल चढ़ाते हैं माला चढ़ाना चाहे बिल्कुल चढ़ा सकते हैं बेल पत्र चढ़ा सकते हैं शमी पत्र चढ़ा सकते हैं धतूरा जो उनको बहुत पसंद है शिव शिवरात्रि वाले दिन ये सारी चीज़ें आप एक थाली में ले लीजिए और इन सब से उस दिन शिव जी का ज़रूर अभिषेक करें उनको खुश करने के लिए ये पांच चीज़ें जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अपनी इच्छा को बोलते हुए बहुत जल्दी भोले बाबा आपकी इच्छा सुन लेते हैं और बहुत जल्दी इसको पूरी करते हैं आप इसे मंदिर पर भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं पर आप इस रिचुअल को करना बिल्कुल भी ना भूलें छोटा सा अभिषेक आपको शिवलिंग पर ज़रूर करना है शिवरात्रि वाले दिन सुबह कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है बहुत लोग अपने घर पे इस दिन पूजा भी कराते हैं कथा भी कराते हैं अभिषेक भी कराते हैं अब ये चॉइस आपकी है मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो इतनी सारी मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज और सॉरी इतने सारे मैंने आपको तरीके बता दिया आप कोई भी ये कर सकते हो पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ जो मैंने अभिषेक वाली बताई है इस दिन खुद भोले बाबा आपसे बहुत जल्दी खुश होंगे आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे बस पीरियड्स में ना करें अगर इनके इनकेस के पीरियड्स चल रहे हैं मंत्रा को आप सुन सकते हैं एयरफोन्स लगा के बस भोले बाबा को अपना भोले बाबा जी का नाम जपे मनी मन में श्री शिवा नमस्तव्यम या शिवा मैजिक बिगन हो लॉर्ड शिवा मैजिक बिगन हो ये भी आप बोल सकते हो उसी की चांटिंग कर सकते हो लेकिन पीरियड्स में ऐसा तो बोलते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए बट आई फील लाइक सब करते हैं आजकल की जनरेशन सब करती है लेकिन पुराने जमाने की जो चीजें होती आ रही है हमें उसकी रिस्पेक्ट करते हुए पीरियड्स में नहीं करना है बट मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आप इसका जरूर ध्यान करें आप इन रिचुअल्स को जरूर करें मैं खुद शिवरात्रि पर एक मेडिटेशन लेकर आऊंगी मंत्राज लेकर आऊंगी और रीडिंग्स आप सब लोगों के लिए स्पेशली लेकर आऊंगी जो भी आपकी इच्छा है जो भी आपकी इच्छा है वो इंस्टेंटली जरूर पूरी होगी इस दिन और देखना भोले बाबा आपकी लाइफ में बहुत चमत्कार करेंगे आप बिल्कुल भी निराश ना हो अपसेट ना बिल्कुल भी और जितनी कोशिश कर सकते हैं शिवरात्रि वाले दिन खूब खुशी के साथ ये दिन बिताएं भोले बाबा का नाम जब 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 जब, जब खूब जाप करें और खुद को बहुत ज्यादा खुश रखें राधे राधे